हेलो एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मेरा $0 पे एक्शन बटन आ चुका है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जी हां, मेरा बस अभी एडसेंस अकाउंट में $0 हुआ है और मेरा एक्शन बटन आ चुका है। तो मेरा यह एक्शन बटन कैसे आया, मैंने क्या काम किया तो मेरा एक्शन बटन आ गया। अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आपका भी मोनिटाइज हो चुका है, तो अगर आपका एक्शन बटन नहीं आया है तो आपको अब करना क्या पड़ेगा, और अभी मुझे अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यूट्यूब से लेकर कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक आपके लिए प्रोफेशनल वीडियो बनाकर ले आऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि जब मैंने कल दोपहर में मैंने जब अपना एडसेंस अकाउंट को खोला तो मुझे एक्शन बटन नहीं दिखा। जब मैंने कल शाम वही 7-8 PM को जब मैंने अपना एडसेंस को खोला तो मैंने देखा कि मेरा एक्शन बटन आ चुका है, जो कि मेरा $0 है, जो कि आपको यूट्यूब में अभी सुन रहे होंगे आप लोग कि मेरा $1 है, $5 है, 0. इतना डॉलर है, मेरा एक्शन बटन आ गया, क्या सही है क्या फेक है। तो आप देख सकते हैं, मैं खुद यूट्यूबर हूं और मेरा अभी एडसेंस अकाउंट में एक भी डॉलर नहीं हुआ है। जी हां, बस $0 है और एक्शन बटन आ चुका है, इसका ये मतलब है। और आप मेरा एक मेल भी देख सकते हैं, मेल भी आ चुका है कि आप अब अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, आप मेल भी देख सकते हैं, जो कि इसका यही मतलब होता है कि अब एडसेंस का रूल चेंज हो चुका है, अब आपको $10 करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मोनिटाइज हो जाता है तो मोनिटाइज होने के कुछ दिनों के बाद आपका एडसेंस में एक्शन बटन आ जाएगा, जिससे कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। इससे ये होगा कि अब आपका वेरीफाई और आपका जो एक पिन आता है एडसेंस पिन, वो भी जल्दी आपके घर पे आ जाएगा। तो अब मैं बताता हूं कि अभी मुझे वेरीफाई करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, अगर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बता दूं, अभी आप सभी को पता है कि पूरा देश में लॉकडाउन है, जो कि कहीं कहीं छूट मिला है, तो जिसके कारण से मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी आप लोग वेरीफाई ना करें। अगर वेरीफाई करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक से एडसेंस पिन अप्लाई हो जाता है और पिन आपके घर के लिए भेज देता है। अगर आपके उस समय आपके घर के पास रेड जोन हो जाता है तो आपके घर तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण से आपको अगले महीने फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसका साफ मतलब है कि अभी आप लोग 1-1.5 महीना एडसेंस को वेरीफाई ना करें, जिससे कि आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 1-1.5 महीना के बाद जाकर आप वेरीफाई कीजिएगा, जब स्थिति पूरा साफ हो जाएगा, मामला पूरा पहले जैसा हो जाएगा, तो आपका जल्दी से एडसेंस पिन आ जाएगा और आप अपने एडसेंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यही जानकारी आपके लिए था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।